नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरर्स में, एक ऐसी जगह जहां पे हम हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते और सिखाते रहते हैं। और दोस्तों, आज हम जानेंगे अगर आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि आप उसमें परफेक्ट साइज की अपनी इमेज या डॉक्यूमेंट की इमेज या सिग्नेचर की इमेज और वो भी सही फॉर्मेट में किस तरह से बनाए, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इमेज को एडिट करने में और उसको अपलोड करने में। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप पिक्चर तो एडिट कर लोगे पर उसको अपलोड करने में आपको समस्या आएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहेगा। और ऐसी वीडियो आगे भी आप तक आती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों किसी से कुछ भी सीखते रहने के उसके साथ बने रहना जरूरी। चलिए दोस्तों, आज का विषय हम शुरू करते हैं। पहले हम इधर पैन कार्ड रिसाइजर इस ये लिख के टाइप करेंगे। तो हमने पहले इसमें टाइप करा था तो ये आ गया। अब इसमें ये जो पहली वेबसाइट है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, वहां से भी आप इस पर आ सकते हैं। और फिर इधर सेलेक्ट फाइल इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपका जिधर भी वो फाइल है जो आपको एडिट करनी है उस पर आप जाओगे और फिर उसको क्लिक करके ओपन कर दोगे। अब इधर से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब इधर आपको किधर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें UTI या NSDL, तो ज़्यादातर तो NSDL पे ही करते हैं, तो और मैंने भी उसी पे ही अप्लाई करा था तो हम इसको चुन लेते हैं। और उसके बाद आप कौन सी इमेज एडिट करना चाहते हो, सिग्नेचर की, डॉक्यूमेंट की या फोटो की, जो भी आप इसमें एडिट करना चाहते हो उसको आप क्लिक करोगे और फिर नेक्स्ट। अब इसमें ये जो बॉक्स है इसी के अंदर आपकी वो इमेज होनी चाहिए जो आपको एडिट करनी है। इसको आप इधर से पकड़ के जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और अगर इसमें अगर थोड़ा कलर करेक्शन करना है आपको तो आप इधर से तो आप इधर क्लिक करके इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वो भी आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद आप इधर डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर आप सिग्नेचर इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करोगे और फिर इधर जो आपने सिग्नेचर की इमेज ले रखी है उस पर क्लिक करके इधर ओपन कर दोगे और फिर वैसे ही नेक्स्ट। और इधर आप NSDL सेलेक्ट करने के बाद सिग्नेचर इस पर क्लिक करोगे और फिर नेक्स्ट और फिर ये इसमें सिग्नेचर आ गया है। इधर से आप इसको जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हो, ये इधर जूम आउट कर दिया, ठीक। और अगर इसको थोड़ा रोटेट करना चाहते हो तो आप इधर से इसको रोटेट भी कर सकते हो, ये आपको थोड़ा ही घुमाना है तो आप इधर से पकड़ के इसको थोड़ा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। और ये उसी तरह से ही है, इसमें अगर आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है या कम करना है तो इधर एडिट करके फिर इधर आप डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे। और फिर अब डॉक्यूमेंट के लिए सेलेक्ट फाइल, जो भी डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करना है उसको सेलेक्ट करोगे, ओपन करा और फिर नेक्स्ट और फिर इधर डॉक्यूमेंट और फिर नेक्स्ट। और इसमें भी उसी तरह से आप एडिट करके इधर डाउनलोड कर दोगे तो आपके सभी डॉक्यूमेंट और इमेज डाउनलोड हो जाएंगे, वो भी सही फॉर्मेट में।
पर अभी इसमें काम बाकी है। अब इसमें ये है कि आप किस तरह से अपलोड करोगे, तो उसमें भी एक थोड़ी सी ट्रिक है, वो अब हम आपको बताते हैं। तो आप पहले इधर जो प्लस का आइकन है इस पे आप क्लिक करोगे, और फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको आप सेलेक्ट करोगे और उसका लिंक इधर आ जाएगा। अभी अपलोड नहीं होगा, सिर्फ उसका लिंक आएगा, और फिर नीचे ये अपलोड के निशान पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आपकी इमेज इधर अपलोड हो जाएगी। ये देखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपलोड करने की कोशिश करोगे तो उधर सिर्फ लिंक आएगा और आप इस बारे में कंफ्यूज होगे बार बार कि आपने सब सही करा उसके बाद भी आपकी इमेज सही तरह से अपलोड क्यों नहीं हुई। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से सही साइज में अपने डॉक्यूमेंट और इमेज पैन कार्ड के लिए एडिट और अपलोड किस तरह से करें। हमें आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द जरूर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।